शिक्षा करियर जॉब्स के YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में कैसे पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो एक प्रश्न भारतीय वायुसेना से संबंधित आप जो है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे कब जाता है? आपके पास ऑप्शन है 7 अक्टूबर, 7 सितंबर, 8 अक्टूबर या 12 नवंबर। आप जो है आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं बहुत सारे लोगों का सपना होता है भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का, लेकिन जानकारी की कमी होने के कारण बहुत लोगों का सपना अधूरा रहता है। उनको नहीं पता होता कि ये नौकरी कैसे मिलेगी, पायलट बनने के लिए कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, कितनी एज जो आयु है वो होनी चाहिए, कब फार्म आते हैं, परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पायलट बनने के लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कैसे आप अप्लाई करके इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपकी जानकारी अधूरी ना रहे, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत हानिकारक होती है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा आपको जो है लंबा लग सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप जो है शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दें, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है, एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा, लेकिन फायदा यह होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। सो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर जरूर कर देना, और अगर आपका कोई डाउट या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें और अगले वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारतीय वायुसेना में आप पायलट कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम भारतीय वायुसेना क्या है जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना अगर बात करें तो जो तीनों हमारी डिफेंस फोर्सेस है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों में से एक है जो हमारे आसमान की सुरक्षा करते हैं। दुश्मन अगर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण हमारे आसमान में करेगा तो उसकी रक्षा जो है वो हमारी भारतीय वायुसेना करती है। तो वायु में किसी भी प्रकार के अटैक का जो जवाब है वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप भारतीय वायुसेना में पायलट बनने के लिए आवश्यक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पायलट बनने के लिए। दोस्तों, आप 12वीं कक्षा पास कर चुके हो या आप अपीयरिंग हो, मतलब आप जो है एग्ज़ाम दे चुके हो, रिजल्ट आपका अभी नहीं आया है, और जो 12वीं कक्षा है वो आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से जो है पास होनी चाहिए। अगर हम उम्र की बात करें तो इसके लिए कम से कम आपकी उम्र 16.5 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जो है मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सारे जो है स्टेप बताता हूं कि कैसे आप पायलट बन सकते हैं। सबसे पहले आपको 12वीं पास करनी होगी, आपको जो फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है यानी कि गणित और भौतिक विज्ञान के साथ जो है आप 12वीं पास आपकी होनी चाहिए, या आप अगर जो है अपीयरिंग है तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन आपको जो है बाद में जब आप पास हो जाएंगे तो आपको जो है अपना पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा, आपको वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद जब आप 12वीं पास कर लेते हैं तो आपको NDA एग्ज़ाम, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों, अगर हम NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ये परीक्षा UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो IAS सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उसी के द्वारा ये एग्ज़ाम जो है लिया जाता है। साल में 2 बार जो है ये एग्ज़ाम होता है। आप जो है ये एग्ज़ाम जो है आपको देना होगा अगर आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम में जो है आपको टोटल 900 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो गणित के प्रश्न होंगे वो 300 अंकों के होंगे और जो जनरल एबिलिटी है वो 600 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, अगर ये एग्ज़ाम जो है आप पास कर लेते हैं फिर आपको SSB यानी कि इंटरव्यू के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा। दोस्तों, अगर इस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो ये एग्ज़ाम जो है हर 6 महीने में एक बार कराया जाता है, यानी कि साल में 2 बार जो है इस एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम बात करें जब इस एग्ज़ाम को रिटिन परीक्षा यानी कि जो लिखित परीक्षा आप पास कर लेते हो तो तीसरी जो आपकी स्टेज है वो आपका तीसरा जो आपका स्टेप है वो SSB इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। SSB की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे फिजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, कई तरह के टेस्ट इसमें आपके होते हैं। उसके बाद आपको SSB देने के बाद अगर आप SSB क्रैक कर लेते हैं उसके बाद आपको मेडिकल एग्ज़ाम आपको देना होगा। आपको जो है अपने वेट, अपनी हाइट, अपनी जो आईज़ है, आई साइट है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई, आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए, आपका हर एक पार्ट जो है शरीर का जो है वो अच्छी तरीके से जो है चेक किया जाएगा। एंड उसके बाद जो है अगर आप मेडिकल एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं फिर आपकी एक फाइनल मेरिट बनती है। अगर मेरिट में आपका नाम आ जाता है देन आपको जो है
तीन वर्ष की ट्रेनिंग जो है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, 3 वर्ष की ट्रेनिंग आप करेंगे एज ए एनडीए कैडेट ऑफिसर्स। उसके बाद जो है आप 1.5 साल की जो ट्रेनिंग है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर जो है आप जो है अंडर ट्रेनिंग फ्लाइंग ऑफिसर्स जो है आप रहेंगे। और यहाँ पर जो है 1.5 साल की आप ट्रेनिंग करने के बाद आपकी जो यूनिट में जो पोस्टिंग होगी या जो आपको जहाँ पे भी पोस्टिंग होगी आपको एज ए फ्लाइंग अफसर की जो है पोस्ट के रूप में जो है आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है 12वीं कक्षा पास करने के बाद जो है आप पायलट बन सकते हैं। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले 12वीं पास करनी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, उसके बाद आपको एनडीए का एग्जाम देना है। उम्र आपकी 16.5 से 19 वर्ष होनी चाहिए। एनडीए एग्जाम अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं देन आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू एसएसबी आप क्लियर कर लेते हैं देन आपका मेडिकल, फिर मेरिट बनेगी एंड मेरिट बनने के बाद 3 वर्ष की ट्रेनिंग आप एनडीए में करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी में, राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी है, उसके बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग आप एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में करेंगे और उसके बाद जो है फ्लाइंग अफसर के पद पर जो है आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में आप पायलट बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब